पाली के बर में कांग्रेस प्रत्याशी देवकीनंदन गुर्जर का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और जहां कांग्रेस प्रत्याशी को पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने और साथ ही फ्लोराइड युक्त पानी की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, जिस पर गुर्जर ने केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर अस्पताल को क्रमोन्नत करवाने और फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलवाने का वादा भी किया। इस दौरान गरीब किसानों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाने वाली न्याय योजना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों को कांग्रेस के झोले में डालकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करने की सभी से अपील की।